मुरादाबाद से है। चंद घंटों में ही पुलिस ने मासूम के अपहरणकर्ता को दबोचा, बच्ची को किया सकुशल बरामद। ठाकुर द्वारा मोहल्ला नई बस्ती में 9 वर्षीय बच्ची के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए उच्च अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने चंद घंटों में ही अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची को बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। अपने कलेजे के टुकड़े को सकुशल पाकर परिजनों ने दिल की गहराइयों से कोतवाली पुलिस का आभार व्यक्त किया। देर रात सीओ अपेक्षा निम्बाड़िया ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 19 अगस्त को नई बस्ती निवासी एक युवती ने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपते हुए मोहल्ले के ही फाइव पुत्र खलील अहमद नामक व्यक्ति द्वारा अपनी 9 वर्षीय बेटी का अपहरण किए जाने की जानकारी दी थी। बच्ची को ले जाते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया था, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी योगेंद्र सिंह ने 3 टीमें बनाकर आरोपी को ठाकुर द्वारा काशीपुर बॉर्डर से रात्रि लगभग 10 बजे गिरफ्तार करते हुए बच्ची को बरामद कर लिया है। 28 तारीख को लगभग 3 बजे के आसपास फहीम पुत्र खलील अहमद, इन्होंने ये वार्ड नंबर 4 ठाकुर द्वारा के निवासी हैं, इन्होंने माजिद हुसैन की पुत्री है 9 वर्ष की, वह बोल नहीं पाती है, इन्होंने इनका अपहरण कर लिया था। तो ये सूचना मिलने के बाद उनके माता पिता ने आके तहरीर दी, जिसके बेसिस पे मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। मुकदमा नंबर 413 दर्ज हो गया था 463 में। उसके बाद में हम लोगों ने अपनी टीम लगा दी थी उनको ढूंढने के लिए, मौके पर गए थे, वहाँ जाके पता चला फहीम भी मेंटली चैलेंज्ड है। उसकी माँ ने उसके कागज़ भी दिखाई दी, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है और वो शादीशुदा है, उसके 5 बच्चे हैं। हम लोगों ने उसकी लोकेशन ट्रेस की, हम लोगों ने 3 टीमें भेजी और लड़की को हमने 24 घंटे में बरामद कर लिया था। उसको हमने काशीपुर से बरामद किया था, वहाँ पे हमने इसको विभाग के चेक पोस्ट के पास हमने उसको रात को 10:50 में हमने उसको बरामद कर लिया था। लड़की का स्वास्थ्य ठीक है लेकिन अभी वो बोल नहीं पाती है, तो उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई है और हमने मुकदमा भी दर्ज है और अभी उसको जेल हो गई। वहीं में एक रिक्शा चालक है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ इतना भी पता नहीं चलता, ज़्यादा लोगों से वो बात नहीं करता। उसकी माँ का कहना है कि वो डिप्रेशन का मरीज है, उसने कोई कारण नहीं बताया, वो उलझुल बातें कर रहा था कि मैं इसको अजमेर लेके गया था दरगाह शरीफ पे, तो थोड़ा वो भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।